अस्सलामुअलैकुम। आज हम इसमें बनाना सीख रहे हैं अपना असाइनमेंट, जिसमें हम बनाएंगे इसके अंदर एक हाउस और इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने एक स्क्वायर बनाया है यहाँ पर और इसके अंदर एक कलर फिल कर लेता हूँ, सपोज टू बी ब्राउन कलर भर लेता हूँ मैं इसके अंदर। तो ये मैंने इसके लिए ब्राउन कलर ले लिया और इसको मैंने यहाँ पर रख लिया। इसके आउटलाइंस को मैं ख़त्म कर देता हूँ और अब एक और स्क्वायर इसमें से डुप्लीकेट ले लेता हूँ इसका, फॉल्ट के साथ इसी के ऊपर यहाँ पर इस तरह से लेके उसको थोड़ा सा इसकी हाइट में बढ़ा कर लेता हूँ और दोनों को उठा के यहाँ नीचे रख लेता हूँ। इसके बाद इसका कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, सपोज टू बी सी ग्रीन कलर कर लेते हैं, लाइट ग्रीन कलर कोई भी इस तरह का, ये मैंने इसके अंदर रख लिया। अब इसको यहाँ से दोनों पॉइंट्स को इसको सेलेक्ट करना है, इन दोनों पॉइंट्स को इस तरह से, और इसको यहाँ से स्क्यू करना है इस तरह से, ठीक है। और जितना आपको रखना है एक आईडी के मुताबिक उस तरह से इसको रख लें। इसके बाद एक और स्क्वायर लेना है और उस स्क्वायर की जो वॉल है वो थोड़ी सी अलग रख लें, यानी कि थोड़ा सा लाइट कर लें इससे या डार्क कर लें, और उसको उठा के यहाँ पे रखें। इसकी हाइट को इसके दूसरे कॉर्नर से मैच कर लें और उसके बाद इसके दोनों पॉइंट्स को यहाँ से पकड़ के और यहाँ से उठा के इसको यहाँ पे सेट कर दें, ठीक है। इसी तरीके से फिर ऑल्टर का बटन दबा के रख के इसकी एक डुप्लीकेट ले लें, जितने रूम्स इसके डिवाइड करने हैं, शिफ्ट भी दबा लें साथ साथ, ऑल्टर शिफ्ट, और ये इसको इस तरह से रूम्स क्रिएट कर लें, यहाँ बना लेते हैं। और इसको थोड़ा शिफ्ट के साथ बीच में ले लेते हैं ताकि इक्वल रूम्स तकरीबन इनके डिवाइड हो जाए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इनकी दीवारों के कलर चेंज कर सकते हैं आप, इसका कलर कुछ और कर लें, इसका कलर कुछ और कर लें। अच्छा, साथ साथ मैं आपको ये बता चलूँ कि अगर ये कुछ कलर आपको यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं या कुछ लिमिटेड कलर्स हैं, तो आप विंडोज़ में जाके अपना कलर का एक पैनल जो है पूरा खोल लीजिए और उसको उठा के यहाँ पर रख लीजिए, और उसको उठा के यहाँ पर यहाँ से इसके साथ आरजीबी कलर बोर्ड ले लें या वॉट एवर जो भी कलर लेना चाहें। इसके साथ साथ एक और कलर का पैलेट है जिसका नाम है स्विचेस, उसको यहाँ से एक्टिवेट कर लीजिए, सॉरी। और इसको भी उठा के इसके साथ यहाँ पे सेट कर लीजिए। अब यहाँ पे कुछ कलर्स मिल जाएंगे और कुछ कलर आप यहाँ से भी बना लेंगे। ओके, अब आप क्या कर रहे हैं, मिसाल के तौर पर इसमें कोई कलर भरना था वो आपको यहाँ नहीं मिल रहा था, तो आप यहाँ से कलर बना लें, सपोज ये कलर मिल गया और इसमें आ गया और यहाँ पे आपने इसको ऐड कर दिया। थोड़ा सा इसको डार्क करना है, अगर किसी कलर को लाइट करना है या डार्क करना है तो फिर इसको यहाँ से इसका HSD ऑन कर लें, और जो भी कलर आपने सेलेक्ट किया है उसमें शो ऑप्शन करके यहाँ से इसको डार्क या लाइट किया जा सकता है, ठीक है। और दोबारा से कलर मोड पे आने के लिए RGB पे क्लिक कर लें। अब इसके बाद आपने ये नीचे वाला पोर्शन क्रिएट कर लिया, अगर इसको बहुत लंबा करना है तो आपकी मर्ज़ी है, और ऊंचा कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा अगर बाहर निकालना है तो वो भी कर सकते हैं। अब साथ साथ हम इसमें ये करते हैं कि इसको यहाँ से पकड़ कर मज़ीद अगर इसमें थोड़ा सा काम करना है कि बस की हाइट और ब्रेथ को सेट करना, तो यहाँ से देखिए मैंने इन सबके नीचे वाले कॉर्नर्स को सिलेक्ट करके इसको थोड़ा सा और आगे निकाल लिया इस तरह से, ताकि थोड़ा सा आगे निकला हुआ नज़र आए, ताकि इसकी थोड़ी ब्रेथ ज़्यादा शायद हो, लेकिन साथ साथ आप देख रहे हैं दीवारों में कट भी आ रहा है। तो फिर आपने इसको इस तरह से इन पॉइंट्स को सिलेक्ट करना है और ऊपर वाले पॉइंट्स को, और फिर इसको लेके इस तरह से थोड़ा सा आगे कर लेना, ठीक है। और साथ साथ इसको थोड़ा सा इस साइड पे निकाल के देखो, और थोड़ी सी हाइट बढ़ाने के लिए ऊपर वाले पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लें। लेकिन इसमें यही एक प्रॉब्लम होगा कि अगर आप जब आगे वाले पॉइंट्स को सिलेक्ट करेंगे तो पीछे वाले साइड ना होंगे, तो उसके लिए पहला तरीका सारा सही है कि दीवारें बनाने से पहले नीचे वाला जो हिस्सा है वो पहले आप सही तरह सेट कर लें इसका, वरना फिर वो ज़्यादा चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा, उस पर ज़्यादा काम करना पड़ेगा। और इसकी हाइट एज कम्पेयर टू उससे थोड़ा ज़्यादा रखें शिफ्ट के साथ, और फिर अब इसके ऊपर जो है ये वाला एक और बना के, ठीक और इसके दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करके यहाँ पे इसको इस तरह से लाके सेट कर दें। कलर्स जो भी रखना चाहे, जैसे कि ये कलर और शिफ्ट के साथ ये कलर, शिफ्ट के साथ ये ले लें, ये वाली दीवार पे आ जाएगा इस तरह से, आप कुछ बेहतर लग रहा है इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे नीचे रख लेते हैं। आप इनके कलर्स जो हैं वो चेंज कर लें, क्लिक करके यहाँ से जो भी कलर्स चाहिए आपको वो तो कलर ले लेते हैं। ये कलर ले लेते हैं और बीच में बैकग्राउंड पर ये कलर ले लेते हैं, ठीक है।
अब करना ये है कि इसको बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप इसमें जो हमारे पास लेना है वो ये है कि इसकी एक डुप्लीकेट लेंगे, सेलेक्ट करेंगे इसको, ऑल्ट के साथ इसको पूरा एक डुप्लीकेट लेंगे, इसके टॉप पर ले जाएंगे इस तरह से, ठीक है। ये इसकी सेकंड स्टोरी बन गई। अब उसी तरीके से अगर इसकी थर्ड स्टोरी बनानी है तो उसको सेलेक्ट करके थोड़ा आर्टबोर्ड बड़ा कर लेता हूँ मैं। आर्टबोर्ड बड़ा करने का तरीका ये है कि आर्टबोर्ड का टूल है, क्लिक करें, आर्टबोर्ड सेलेक्ट हो जाएगा, उसके बाद आर्टबोर्ड को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। उसके बाद यहाँ से क्लिक करके जो सेकंड स्टोरी है उसको भी इसके ऊपर लेके जाना है, तो पहले इसको सेलेक्ट कर लें शिफ्ट के साथ, इनको इसको इसको सबको सेलेक्ट करके ऑल्ट के साथ इसके भी टॉप पर इसको ले जाए। ये इसकी एक और स्टोरी बन गई, तीन स्टोरीज पर ये हमने क्रिएट कर लिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसमें किस तरह से मॉडिफिकेशन करनी है। हाँ, ये इसका मरहला है देखने वाला, इसकी ऊपर वाली तो दोनों दीवारें हम डिलीट कर देते हैं, इसके साथ साथ ऊपर वाली जो ये वाला हिस्सा है इसके ऊपर वाला ये वाला हिस्सा भी डिलीट कर देते हैं, और इसके पीछे वाली दीवार को हम थोड़ा सा यहाँ से कम कर लेते हैं, शिफ्ट के साथ कम करेंगे, दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लें और उसके बाद ऐसे कम करें, शिफ्ट का बटन दबा के रखें, ये इस तरह से कम करें, ठीक है। तो ये ऊपर का हिस्सा निकल आया, ऊपर भी तकरीबन दो रूम हैं और उसके बाद वाला हिस्सा है कुछ खाली है। इस वाली दीवार को थोड़ा सा हाइट पे ऊपर ले आएंगे, तो इस वाली दीवार के सिर्फ आपको ऊपर वाले हिस्से चाहिए, तो यहाँ क्लिक करके और शिफ्ट के साथ इस पर क्लिक करें, दोनों पॉइंट्स को क्लिक करके ऐसे सीधे ऊपर लाएंगे, शिफ्ट का बटन दबा के रखें, ये देखिए थोड़ा सा ऊपर आ जाएंगे इससे, पीछे हो रहे स्लीव पर राइट बटन दबा के अरेंज में जाके और ब्रिंग टू फ्रंट, उसकी शॉर्टकट की भी लीजिए शिफ्ट कंट्रोल और जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है वो दबाना है, तो ये देखिए इस तरीके से आपके सामने आ जाएंगे। इसके बाद अगर आपको इसके यहाँ पर कुछ बाउंड्री वॉल्स बनानी है और एक पीछे बाउंड्री वॉल बनानी है, तो बाउंड्री वॉल इस पर बनेगी इस तरह कि पहले आपको इसको कम करना पड़ेगा और उसके बाद अब आपकी बाउंड्री वॉल आगे और पीछे बन सकती है। कैसे बनेगी देखिए, पहले आगे बना लें, आगे वाली बाउंड्री वॉल का कलर तकरीबन थोड़ा सा इससे डार्क होगा, तो पहले कलर ये ले लेते हैं, और डार्क करने के लिए मैंने आपको बताया कि किसी भी कलर को लाइट या डार्क करने के लिए HSB यहाँ से ऑन करें और उसको डार्क या लाइट यहाँ से इजीली किया जा सकता है, ठीक है। अब रहा सवाल कि पीछे वाली बाउंड्री लाइन को भी दिखाना है, तो शेप के मुताबिक इस तरह से ही बनेगी कि यहाँ पर आपने क्लिक करना है और ऑल्टर से एक डुप्लीकेट लेके शिफ्ट का बटन दबा के, शिफ्ट छोड़ें यहाँ क्लिक करें, ऐसे करके क्रिएट करना है। अब उसके बाद इसको राइट बटन दबा के इसको टू बैक कर देना है ताकि उसके पीछे नजर आए और उसके लेवल में नजर आए, तो उसको नीचे लेकर आना है इस तरह से, और इसको थोड़ा सा और ज्यादा डार्क करना है तो इसका डार्क कलर थोड़ा सा ज्यादा कर दो, बल्कि यहाँ से करने के बजाय यहाँ से थोड़ा डार्क कर दो, ठीक है, ज्यादा हो गया, ताकि वो नजर आएगा, वो पीछे वाला हिस्सा है और ये आगे वाला हिस्सा। अब बीच में जो मैंने गेप छोड़ा है इसमें एक छोटी सी लाइन बनानी है जो कि इसकी शो करेगी कि ये इसके बीच का डिस्टेंस है, या इसको थोड़ा सा कम कर लें इस तरह से, तो वो नज़र आ रहा है कि जो उसके नीचे का फर्श है वो आपको नज़र आना चाहिए, और थोड़ा सा इसको नीचे के साथ जॉइंट कर दें, तो ये देखिए इस तरह का एक स्ट्रोक क्रिएट हो जाएगा। लेकिन साथ साथ जो है थोड़ा सा इसका जो आगे वाला पॉइंट है इसको भी थोड़ा आपको कम ही करना पड़ेगा, क्योंकि वो इसके साथ मिलना चाहिए, इस पॉइंट पर क्लिक करें खाली और डाउन एरो दबाएं अपने कीबोर्ड से ताकि वो आगे इसके साथ मिल जाए, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा बेहतर लग रहा है, इसको थोड़ा सा डार्क कर लें, ये इस तरह से नज़र आएगा। अच्छा, अब रहा नीचे पीछे वाला सिलसिला, तो उसका कलर इस तरह नहीं होना चाहिए, तो यहाँ से माई ड्रॉपर लेंगे और यहाँ से वो कलर पिक कर लेते हैं, यहाँ पर ये आ गया, और यहाँ क्लिक करके इसको अरेंजेस में जाके विंग फ्रंट कर देते हैं। अच्छा देखिए, इसको फिर क्लिक करके विंग फ्रंट करेंगे तो ये इसके आगे इस तरह से नज़र आना चाहिए, ठीक है। अब रहा सवाल कि ये तो चीज़ हो गई क्रिएट, अब इसके अंदर ये जो ऊपर वाली पूरी इमारत जो है ये सीधी जा रही है और इसको ऊपर लेकर तीसरे फ्लोर पर कनेक्ट करना है, तो मेरा ख्याल है कि इस दीवार को डिलीट कर दें और इस वाली दीवार को स्ट्रेट करके सीधा ऊपर तक ले जाइए आप, तीसरे फ्लोर तक ले जाइए, ठीक है, और वहाँ ले जाके अब इसके आगे हमें क्रिएट करना है, और इसी तरीके से इसके बीच में भी एक फ्लोर क्रिएट करना है, तो इस वाले को ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके ऑल्टर के साथ यहाँ पर ले जाके यहीं पर एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, और इसको जाके प्रिंट फ्रंट पर रखना पड़ेगा, लेकिन इसको उसके आगे लाना है तो इसमें क्लिक करके प्रिंट फ्रंट करके ऐसे आगे लाएंगे और यहाँ से इसको कम करेंगे, तो उसका तरीका ये है कि दोनों पॉइंट्स में से सेलेक्ट कर लें, यहाँ आ गया और ये पॉइंट यहाँ पे दोनों के साथ नहीं, अब एक को सेलेक्ट करेंगे और इसको ले जाके यहाँ पे इस तरह से सेट कर, ठीक है, तो वो फ्लोर उसके इस तरह से दिखते जाएंगे। फ्लोर्स के कलर चेंज कर सकते हैं आपकी मर्जी, काली दिखाने जो भी करने, फिलहाल अभी हमने यही कलर रखे हैं। अब आपने करना ये है कि इसके बाद आपने यहाँ पर एक और चीज़ क्रिएट करनी है, ठीक है,
तो यहाँ पर एक कमांड मैं आपको समझाऊंगा जिसका नाम है रिफ्लेक्ट। रिफ्लेक्ट कमांड भी मुख्तलिफ एंगल्स में यूज होती रही है। रिफ्लेक्ट कमांड का काम ये है कि आपके पास अगर एक ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है, अब ये एक ऑब्जेक्ट मेरा हाफ है, इसको सेलेक्ट करके मैं इसको फिल से खत्म कर लूँ। अब ये इस तरह का एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और मुझे इसको कंप्लीट करना है, यानी कि इसी जैसा एक ऑब्जेक्ट अपोजिट से यहाँ क्लिक करें, सेलेक्ट करें, ऑब्जेक्ट में जाएँ, ट्रांसफॉर्म में जाएँ, और यहाँ पे रोटेट रिफ्लेक्ट नज़र आ रहा है, रिफ्लेक्ट करें। अब यहाँ पे इसका प्रीव्यू ऑन कर लें, तो देखिए यहाँ पर इसका एक और एंगल आ गया, इसको कॉपी करते हैं और ये देखिए इसका एक और ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी हम इस तरह का काम करते हैं कि अरेंजेस में जाते हैं और यहाँ से जाके इसको करते हैं रिफ्लेक्ट, इसकी कॉपी लेंगे, फिर देखें हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रिफ्लेक्ट कैसे हो रहा है। ये हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल रिफ्लेक्ट है, प्रीव्यू ऑन करें, कॉपी लें इसकी, उसके बाद इसको ले जाके इसके सामने यहाँ पे सेट करें। ठीक है, लेकिन ये कुछ इस तरह से हुआ है और इस तरह से हमें ये सही नहीं लग रहा, लेकिन इसको थोड़ा सही कर देते हैं। क्लिक किया हमने यहाँ पे शिफ्ट के साथ, इसको यहाँ क्लिक किया और दोनों पॉइंट्स को, यानी कि इस पॉइंट को शिफ्ट के साथ और इस पॉइंट को, दोनों को पकड़ के हमने ले जाके यहाँ पे जिस तरह से भी सेट करना है किया जा सकता है। सपोज अभी यहाँ से इसको ऐसा रख लेते हैं और यहाँ से क्लिक करके सिर्फ इस पॉइंट को उठा के, इसको उठा के यहाँ रखते हैं या नहीं रखते उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ क्लिक करके इसको अरेंजेस वगैरह टू बैक भी कर सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन टू बैक करने में फिर एक नुकसान हुआ कि वो वहाँ से थोड़ा सा नज़र आ रहा है, तो इसको हम आगे ले लेते हैं दोबारा से और यहाँ से क्लिक करके हम इसको ये से आ रहा है, थोड़ा सा अगर बाहर निकलता हुआ भी हो तो भी हमारा मसला हल हो सकता है। मतलब अगर ये थोड़ा ज़्यादा सही नहीं लग रहा, अगर आपको इस तरह से थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है, तो इसको ऐसा कर लें कि इस दोनों पॉइंट को थोड़ा सा बाहर निकाल लें, दोनों पॉइंट्स को हम जब बाहर निकालेंगे वाइट एरो की मदद से, तो थोड़े से बाहर निकले हुए तो नज़र आएंगे, लेकिन ये वहाँ से अपनी पोजिशन से भी हट रहे हैं। यहाँ रखें इसको और इसको ऐसा करें कि यहाँ से इसकी थोड़ी सी चौड़ाई बढ़ाएँ और इसको यहाँ से रख के देखें, थोड़ा सा हमें बाहर करना ही पड़ेगा या उस दीवार को थोड़ा अंदर लाना पड़ेगा। इसको थोड़ा अंदर लेकर आते हैं, अंदर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा ये इसके आगे नजर आए ना, ब्रिंग फॉरवर्ड करते हैं इसको, फ्रंट करते हैं इसको, हाँ ये इस तरह से नजर आनी चाहिए, पर इसके आगे आनी चाहिए। ठीक है, अब इसकी विड्थ भी बनानी पड़ेगी। अब इसका जो ये पोजीशन है हमारे सामने जो आ रही है इस तरह से, और एक तरफ इस तरह से छुपी भी होनी चाहिए, यहाँ से इसको हमें 50% करके ही दूसरी तरफ झुका सकते हैं। मतलब ये होगा कि इसको हम यहाँ से एक एंकर पॉइंट ऐड करते हैं सेलेक्ट करके, तो इसके 50% में यहाँ ले लेते हैं और इसको यहाँ से नीचे कर लेते हैं। ठीक है, ओके, और इसको यहाँ से थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ठीक, और अब इसको इसको इसके साथ यहां क्लिक करके ऐसे रख लेते हैं, लेकिन ऐसे करेंगे तो वहां पे एक एंकर यहां पे भी देना पड़ेगा, ऐड एंकर यहां पे इसके अंदर ऐड करके अब इजीली आप यहां से एक और एंकर दें इसके यहां पे। ठीक है, आप चाहे तो इसको आप डिलीट कर दें। ओके, अब उसके बाद आपने इसके साथ जो डिज़ाइंस क्रिएट करने हैं दो, वो आपको इसकी रूफ के हिसाब से करने हैं। एक फ्रंट का डिज़ाइन हुआ, एक बैक का डिज़ाइन हुआ, तो पहले इसका फ्रंट का डिज़ाइन बना लें। तो फ्रंट का जो डिज़ाइन बनेगा इसका, वो स्क्वायर ले लें ऐसे करके बना लें और उसमें एक कलर भर देते हैं थोड़ा सा डार्क मैरून कलर,
और इस पर क्लिक करके यहाँ से हम इसको पकड़ के इस पॉइंट को यहाँ ले आते हैं, यहाँ ले आते हैं, ठीक है। ये देखिए, और थोड़ा सा अगर इक्वल इसको बनाना है तो उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा कि इसको थोड़ा सा और बाहर लेकर आना पड़ेगा। तो यहाँ से क्लिक करके इसको थोड़ा सा फाड़ लें, यहाँ पर आपने जो बनाना है थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, थोड़ा सा बाहर निकलेगा और थोड़ा बाहर निकलेगा, ठीक है। और थोड़ा सा बाहर निकलने के साथ साथ ये थोड़ा सा नीचे भी आएगा, सीधा रखना एक पॉइंट, ठीक है। आप सही लग रहे हैं। अब इसका ये हिस्सा आपने क्रिएट करना है, तो ये हिस्सा क्रिएट करना भी मुश्किल नहीं है, इस पे भी आसानी है कि आप इसको एक इस तरह से बना दें, ठीक है। और उसको भी यहाँ दोनों पॉइंट से पकड़ के इसे करके सेट कर दें, थोड़ा जूम कर लें, और इस पॉइंट को लेके यहाँ पे जोड़ दें, और इस साइड पर आके इसको थोड़ा सा ये वाली साइड बाहर निकाल लें, ठीक है। और ठीक है, बिल्कुल सही बन गया। और अगर थोड़ा और बाहर निकालना है इसको, तो ये आपके पास चॉइस है, इन दोनों पॉइंट्स को इसके पकड़ के यहाँ से इसको जितना बाहर निकालना है यहाँ से निकाल, ठीक है ऐसे। तो ये देखिए, इसका ये हिस्सा और ये हिस्सा दोनों बन गए। और बाहर निकालना है तो और बाहर निकल जाएगा, फिर इतना ही बड़ा शेड आप उस साइड पे दे दें, या तो इतना ही बड़ा बना लें इसको जैसे उसके सीध में आ जाए, तो ये तो बुरा बुरा लगेगा। इसी सुना, फिर दीवार को इतनी चौड़ी करना पड़ेगा, तो दीवार के हिसाब से देख लें, जितनी इसकी दीवार रखनी है उसके हिसाब से इसको सेट कर लें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये काम करने के बाद जो है आपने अब यहाँ पे दो हिस्से, मतलब कुछ ऐसे करना है कि एक हाफ निकालना है और एक थोड़ा सा टेढ़ा करना है। तो इस दीवार में ये वाला जो सेगमेंट है इसका, इसके बाद इसकी जो छत है इसको आपने कवर्ड करना है पूरा, एक साइड से कवर्ड करना है और एक साइड से कम कवर्ड करना है। अच्छा, यहाँ पर हमारे साथ ये हुआ कि एक कमरे के ऊपर एक कमरा आ गया, कमरे के ऊपर दूसरा कमरा आ गया, वो तो छुप गया। अच्छा, ये आगे बनना था, ओके ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आगे ले आते हैं, ये नीचे दीवार का अगला वाला हिस्सा है। अच्छा, ये आगे आना चाहिए। अच्छा, अब उसके साथ इसको थोड़ा सा आगे लाते हैं। वैसे स्टार्ट तो 3 कमरों से किया था, लेकिन ये धीरे 2 कमरे, चलो ये 2 कमरे का स्टोरी का बन गया, ये भी ठीक है। अब इसके ऊपर 2 विंडोज बना लें और इस तरह से ये कंप्लीट कर लें। अच्छा, इसके आगे जो ये थोड़े से बॉर्डर्स बने हुए, इनको आप बना सकते हैं खुद से, तो थोड़ी थिकनेस आ जाए इसके अंदर, यहाँ से लेके इस तरह से चीज़ों को इसके ऊपर ऐसे ड्रॉ कर दें हल्के हल्के से, ताकि वो थोड़ा सा लगे कि ये इसकी फ्लोर की जो है वो विड्थ है या उसकी हाइट है।
बड़ा लग रहा है ना डेप्थ इसकी, तो थोड़ी सी इसकी डेप्थ हमने बना दी। अब इसकी डेप्थ भी बनानी पड़ेगी, तो इसके भी इसके ऊपर डेप्थ बना दें। इसको थोड़ा सा डेप्थ में शो करना है, तो इसको थोड़ा नीचे लाके और थोड़ा सा स्क्यू करना पड़ेगा इसको, यानी कि इस पॉइंट को और इस पॉइंट को राइट एरो से नीचे करके डाउन हो रहे, राइट एरो से इसे दिखाना पड़ेगा, बल्कि ऐसे करके रखना पड़ेगा और इसको आगे लाना पड़ेगा थोड़ा सा, ताकि ऐसा लगे कि ये इस दीवार की डेप्थ है। ठीक है, ये पॉइंट भी ले लें थोड़ा सा। ये देखिए इस तरह से, ठीक है, ताकि लगे कि उसकी वो थोड़ी सी डेप्थ है। और इसकी भी बनानी पड़ेगी, ये देखिए तो ये इनकी दीवारों की डेप्थ भी इस तरह से क्रिएट करेगी, इस तरह इस दीवार की डेप्थ भी बनेगी। ये इसको भी इस तरह से दिखाना है, दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट करके आपको ले जाना पड़ेगा, यहाँ से दोनों पॉइंट्स को यहाँ ले जाना मिलाना पड़ेगा। अब कमाल ये कि इसमें आपको इसी तरह से मिलाना है कि जाहिर ऐसा हो कि दोनों मिले हुए हैं, और यहाँ पर भी आपको मिलाना पड़ेगा ला के। यहाँ से इसको मिलाना है और वहाँ से इसको मिलाना है सिलेक्शन टूल की मदद से। यहाँ से इसको मिलाना है, इसको मिलाना है, इस तरह से कुछ सेटिंग बढ़ानी पड़ेगी इसकी, यहाँ पर भी इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारे बन गए इसके ऊपर के बॉर्डर्स और ये इस कैसे नजर आ रहे हैं। अब तीन कमरों का बनाना था, ये बन गया है दो कमरों का, फिर भी ठीक है बन गया है, तो अब क्या कर सकते हैं, एक कमरे का स्टोर वगैरह देना पड़ेगा, खिड़कियाँ वगैरह इसके आगे बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ क्लिक करके खिड़कियाँ बना लें इसकी, ब्लू या वाइट कलर की जो भी बनानी है, उसमें भी इस तरह की आपको जो है चीज़ों को रखना है, जैसे कि ये दो कॉर्नर्स को शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करके ऊपर की तरफ ले
कर सकते हैं कि इस पे कलर आप ब्लू भर दें, ठीक है। और जो इसके बॉर्डर्स होंगे उसके लिए आप ये तरकीब करें कि इसका एक ऑफसेट ले लें, पाथ पे जाके ऑफसेट पाथ इसे प्रीव्यू ऑन करें, आउटसाइड पे ले लें 10 पिक्सल का ले रहे हैं। आउटसाइड में जब आप लेंगे तो फिर अंदर वाला अलग हो जाएगा, बाहर वाला अलग हो जाएगा, तो बाहर वाले को थोड़ा डार्क कर लें इस तरह से, या थोड़ा सा कम कर लें, ज़्यादा हो गया तो इसको थोड़ा लाइट कर लें, ठीक है। उसके बाद आपने उनको सेलेक्ट करके दोनों को इनका एक लेके देखें, रिफ्लेक्शन लेके देखें, इसी का एक डुप्लीकेट ले लें ऑल्ट की मदद से, वो बीच में गेप ना ही दे तो बेहतर है, ठीक है। दोनों बड़े हो गए अगर ज़्यादा शिफ्ट के साथ, दोनों को थोड़ा सेलेक्ट करके ले आइए शिफ्ट के साथ, यहाँ थोड़ा कम करके देखिए, ठीक लग रहा है। तो ये इस तरह की चीज़ें आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। दो विंडोज हो गए, इसी तरह की दो डोर बनेंगे, उनको ज़रा नीचे बना लें इससे, तो ग्लास डोर बना लें शिफ्ट के साथ ले लें इनको, और इनकी बॉल्ट के साथ कॉपी लेके शिफ्ट के साथ नीचे ले आइए। ग्लास डोर जो होते हैं वो थोड़े से लंबे होते हैं, ज़्यादा बड़े हुए थोड़ा कम कर लें, थोड़ी चौड़ाई भी कम कर दें, और इसको सेंड बैकवर्ड, सेंड बैकवर्ड, कंट्रोल ब्रैकेट इसकी शॉर्टकट की है, इसके पीछे चलाएंगे, सही नज़र आ रहे हैं। और थोड़ा सा अगर ऊपर नीचे हो रहे ज़्यादा तो फिर आपने यही ख्याल करना है कि इनको या तो थोड़ा सा इसको पकड़ के नीचे कर लें शिफ्ट के साथ, और जब पीछे करें तो फिर इसकी ये दोनों साइड्स जो हैं दोनों की दोनों साइड्स को सिलेक्ट करके शिफ्ट के साथ, वरना अगर थोड़ा सा ज़्यादा मसला कर रहा है तो फिर इसको रिक्रिएट कर लें, जैसे ऊपर वाले सही बन गए ना, नीचे वाले मसला करते हैं तो उसको फिर यही करना पड़ता है कि इसको जब बनाते हैं तो जैसे आपने ये बनाया, इधर बनाया उधर बनाया, बनाने के बाद इसको ये करें कि भाई इसको दोबारा से सेट कर लें, इसके ऊपर ऐसे रख लें इसके यहाँ पे, और इन दोनों पॉइंट्स को लेके ठीक है थोड़ा सा नीचे कर लें, ओके। बैक कर दें इसको, इतना बैक कर दें कि ये पीले के पीछे छुप जाए, ठीक है। अब सही है, अब इसी का एक दूसरा डुप्लीकेट लेके आके रख दे, ठीक है। थोड़ा सही नजर आना चाहिए, और दोनों का एक ऑफसेट ले लें, पांच पिक्सल का ले लें माइनस, प्रीव्यू ऑन करें इनसाइड आइए, ओके कर दें, अंदर वाले में थोड़ा लाइट कलर दे दें या इस तरह के शेड दे दें, ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, खिड़कियों में भी यही शेड दे दें, ठीक है। ये बन गए इसके डोर्स, ये मुख्तलिफ चीज़ें, तो इस तरह से ये इस कमरे के हो गए। लेकिन अब इस कमरे से ऊपर की स्टेयर्स हमने नहीं दी, ये इसके अंदर एक मिस्टेक आ गई कि हमें यहाँ पर जो है एक और कमरा बना के उसके अंदर से अंदर जाने का रास्ता देना था, लेकिन चले इसमें काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं, वो पूरा फिर आप खुद बनाएगा दो कमरों के साथ। ये देखिए ऊपर का हिस्सा बनाया हमने, इसकी ये चीज़ें क्रिएट करी,
और साथ साथ हमने इनकी दीवारों की भी जो अगर थोड़ी सी आपने थिकनेस शो करनी है, और दीवारों की थिकनेस भी ऐसे ही शो की जाएगी, थोड़ा थोड़ा सा ऑब्जेक्ट उस पर क्रिएट किए जाएंगे और फिर जाके उसकी थिकनेस शो की जाएगी। डोर्स बनाने हैं दीवार के अंदर, तो वो भी इस तरह से जैसे मैंने ये डोर बनाया है, इस तरह से और मजीद डोर्स ऐसे बनाने, और जितना बड़ा डोर बनाना बना के इसको इस तरह से उठा के वहाँ पर रख देना। इस तरह की चीज़ें जो हैं, और इसके बॉर्डर जैसे शो करने हैं, तो फिर मैंने बताया ऑफसेट पाँच ऑफसेट करके इसका 5 पिक्सल का थोड़ा ज़्यादा ले लें, इसको थोड़ा डार्क कर, ये चीज़ें इसके अंदर की जा सकती हैं। ये दो खिड़कियाँ यहाँ से सिलेक्ट करके शिफ्ट के साथ और ऑल्ट के साथ इनकी कॉपी बना के यहाँ पर लगा के लगा दें, थोड़ी इनकी लेंथ बढ़ानी बढ़ा दें, इस तरह से पूरा हाउस क्रिएट हो सकता है। तो इसको और बेहतर तरीके से भी किया जा सकता है, करने के बहुत सारे मेथड्स हैं, करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। फिर जैसे जैसे आप इसको बेहतर बनाते जाएंगे, ये खूबसूरत होता चला जाएगा, और उसके बाद ये एक बेहतरीन किस्म का लुक देना लग जाएगा। टू बैक ठीक है, समझ में आ गई बात, ये चलिए उस पर काम करके देखें फिर इसको आगे करते हैं।